नमस्कार, मैं मुरली मनोहर गोस्वामी आप सभी स्टूडेंट्स एवं दोस्तों का आज के मैथ्स क्विज में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज के मैथ्स क्विज का सबसे पहला प्रश्न, फाइंड द सम ऑफ -20 और 12 को जोड़ने के बाद कितना आएगा। इस प्रश्न का आंसर कितने लोग जानते हो? चलो वहां से पीछे से। हाँ, आपका आंसर क्या है? 22। आपका आंसर गलत है। आपका आंसर क्या है? माइनस एट। आपका आंसर सही है। आपका नाम क्या है? प्रवीण कुमार। प्रवीण कुमार के लिए एक जोरदार ताली होना चाहिए। आज के मैथ्स क्विज का सेकंड क्वेश्चन, एन एंगल शेप इज गिवन ऑन द ब्लैक बोर्ड, व्हाट काइंड ऑफ एंगल इज दिस। ब्लैक बोर्ड पर कोण की एक आकृति बनाई गई है, यह किस प्रकार का कोण है? इस प्रश्न का आंसर कितने लोग जानते हो? चलो एक शिवानी राज से पूछ लेते हैं। आपका आंसर क्या है? थैंक यू, आपका आंसर सही है। आप अपना सुबह से लेकर रात तक का रूटीन बताएं, क्या क्या करती हैं? ठीक, ट्यूशन आके फिर वो लंच बनाते अपना। ठीक, ब्रश करते हैं। उसके बाद ब्रश करके खाना खाते हैं, उसके बाद स्कूल आती है और रात को पढ़ाई करती हो। कितने घंटा पढ़ाई करती हो? अच्छा, आप अपने मम्मी को काम में कुछ सहयोग करती हो? यस सर। किस प्रकार से करती हो? सर, एक मेरे भैया हैं, विकलांग हैं, तो कुछ गलती करने तो कर देते हैं। तो क्या करती हो उसके लिए? जो बोलते सो कर देते हैं। ठीक है, थैंक यू। शिवानी राज के लिए ताली होना चाहिए। आज के मैथ्स क्विज का थर्ड क्वेश्चन, फैक्टर्स ऑफ 9 आर, इस प्रश्न के लिए ऑप्शन ए है 1, 2 एंड 3, ऑप्शन बी है 1, 2, 3 एंड 9, ऑप्शन सी है 1, 6 एंड 9, ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। 9 का गुणनखंड क्या होगा? आप लोग गुणनखंड पढ़े होंगे 6 क्लास में। 6 क्लास में है ना गुणनखंड पढ़ने के लिए? तो 9 का गुणनखंड क्या होगा? इस प्रश्न का आंसर केवल आप जानती हो, और कोई? और कोई नहीं? चलो आपका आंसर सामने। आपका आंसर क्या है? 1, 2, 3 एंड 9। नहीं, आपका आंसर ये गलत है। और कोई? आपका आंसर क्या है? None of this। आपका आंसर सही है। आपका नाम क्या है? सागर पंडित। यहाँ पर प्रश्न ये था, फैक्टर्स ऑफ 9 आर, 9 का फैक्टर्स क्या होता है? ठीक है, बहुत सारे बच्चे इस प्रश्न का आंसर शायद नहीं जानते हैं, इसलिए आप लोग हाथ खड़ा नहीं किए। किसी भी संख्या का फैक्टर्स हम लोग कैसे निकालते हैं? हम लोगों को ये देखना है कि वह संख्या किस किस अंक से डिवाइड होता है। 9
वन से डिवाइड होगा कितने बार में? नाइन बार में। नाइन इसके बाद किस संख्या से डिवाइड होगा? दो से डिवाइड होगा? नहीं होगा। थ्री से? तीन तिया नौ। इसके बाद नाइन किस संख्या से डिवाइड होगा? पूर्ण रूप से डिवाइड होना चाहिए, पूर्ण रूप से कटना चाहिए। इसके बाद नाइन नाइन से डिवाइड होगा, ठीक है। तो नाइन किस किस संख्या से डिवाइड हो रहा है? एक वन से, एक थ्री से और एक नाइन से। तो नाइन का फैक्टर क्या क्या हुआ? वन होगा, थ्री होगा और नाइन होगा। यहाँ पर ऑप्शन था, ऑप्शन ए है वन टू एंड थ्री। ऑप्शन ए में टू भी आ रहा है, टू नाइन का फैक्टर्स है नहीं है, इसलिए यह ऑप्शन नहीं हो सकता है। ऑप्शन बी में भी टू है, इसलिए यह भी नहीं होगा। ऑप्शन सी में सिक्स है, सिक्स से क्या नाइन डिवाइड हो रहा है? नहीं हो रहा है, इसलिए यह भी सही नहीं होगा। यहाँ पर ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस, तीनों में से कोई नहीं, तीनों में से कोई नहीं, आंसर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज के मैथ्स क्विज का पांचवा प्रश्न, व्हाट विल बी द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ टू डिजिट्स? व्हाट विल बी द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ टू डिजिट्स? दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है? आपका आंसर क्या है? 99। थैंक यू, आपका आंसर सही है। कली कुमारी के लिए एक जोरदार ताली होना चाहिए। आज के मैथ्स क्विज का छठा प्रश्न, 5430 में चार का फेस वैल्यू क्या होगा? इन 5430 द फेस वैल्यू ऑफ 4 इज? ऑप्शन देना होगा क्या? अगर आंसर तुम लोग ऐसे बतला दोगे तो ऑप्शन देने का जरूरत नहीं पड़ेगा। इस प्रश्न का आंसर कितने लोग जानते हो? 1 2 3 4 5 6 7। ऐसा करते हैं, एक साथ हम चार लोगों को बुलाते हैं, ठीक। 1 2 और टू वहाँ पीछे से, चारों आ जाओ सामने। आप लोग प्रश्न एक बार पुनः अच्छे से सुन लें। 5430 में चार का फेस वैल्यू क्या होगा? आंसर बतलाएं। आंसर जोर से बोलना है। 100 100, ठीक है। आप बोले 100 100 सर 100। नहीं, आप लोग चारों का प्रश्न का आंसर गलत है। इन 5430 द फेस वैल्यू ऑफ 4 इज, 4 का फेस वैल्यू क्या होगा? अब सारे लोग आंसर जानने लग गया। कौन बतलाएगा इस प्रश्न का आंसर? अच्छा, आप लोगों को मौका देंगे, लेकिन इन लोगों से पहले अगर पूछ लेते हैं, आप आ जाएं, आइए। अभी आपका हाथ खड़ा देखे थे इस तरीके से, तब अच्छा, और इधर से, ठीक, आइए आप। आपका आंसर क्या है? ऑप्शन बी सोच लिए? ऑप्शन चलो एक और आ जाओ कोई।
चलो हाँ आ जाओ आ जाओ। ए नंबर आंसर होगा। तुम ए बोल रहे हो? ठीक है बैठे जगह पर अपना। आपका ऑप्शन बी है? हाँ आप, आपका ऑप्शन बी ठीक है। आपका आंसर सही है। आपका नाम क्या है? दीपिका कुमारी। दीपिका कुमारी के लिए एक जोरदार ताली होना चाहिए। ठीक है अपना जगह ले। आज के मैथ्स क्विज का सातवां प्रश्न, व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ टू इन 1200? 1200 में दो का स्थानीय मान क्या होगा? इस प्रश्न का आंसर कितने लोग जानते हो? आप बता सकती हो? चलिए आइए सामने। 1200 में दो का स्थानीय मान क्या होगा? 200। थैंक यू, आपका आंसर सही है। आपसे एक एडिशनल प्रश्न है। आप लोग कितने भाई बहन हो? चार। आपसे छोटे भाई या बहन हैं? यस। आप अपने छोटे भाई या बहन को किस प्रकार से मदद करती हो? पढ़ाई में मदद करते हैं, या तो फिर कुछ पढ़ाई में प्रॉब्लम आ गया तो बताते हैं इस तरह से। और कुछ मांगती है या तो फिर मांगते हैं तो देते हैं। ध्यान देती हो? यस। पढ़ाई में हेल्प करती हो? यस। थैंक यू। आपका नाम क्या है? सपना कुमारी। सपना कुमारी के लिए एक जोरदार ताली होना चाहिए। तुम लोग देखो गप नहीं करना है, समझ गया? शांति बना के रखोगे तो समोसा खिलाएंगे। शांत रहोगे तब ना कुछ ना कुछ खिलाएंगे। ठीक है, लेकिन एक भी लड़का या लड़की गप करोगे तो सबका कैंसिल हो जाएगा। आज के मैथ्स क्विज का आठवां प्रश्न, हाउ मेनी एंगल्स आर इन ए ट्राइंगल? हाउ मेनी एंगल्स आर इन ए ट्राई एंगल? त्रिभुज में कितने कोण होते हैं? मौका प्रत्येक बच्ची को मिलना चाहिए। आपका आंसर क्या है? थ्री। थैंक यू, आपका आंसर सही है। आपका नाम क्या है? प्रीति कुमारी। आप कितने भाई बहन हो? थ्री। थ्री, कितना भाई और कितना बहन? एक भाई दो बहन। तुम कितने नंबर पे हो? बड़ी। बड़ी, अच्छा तुम्हारे जो छोटे भाई बहन हैं उन लोग बदमाशी जब करता है या करती है तो क्या करती हो तुम, कैसे संभालती हो? तुम बड़ी बहन हो ना, जब आपके छोटे भाई बहन बदमाशी करते हैं तो कैसे संभालती हो? डांटते हैं। डांटते हैं, मारती हो कि नहीं? सर मारती भी हो। चलो थैंक यू, प्रीति कुमारी के लिए एक जोरदार ताली होना चाहिए। आज के मैथ्स क्विज का नौवां प्रश्न, 150 सेकेंड बराबर कितना मिनट होता है? इस प्रश्न का आंसर कितने लोग दे सकते हो? चलो वो छोटी लड़की आएगी। आपका आंसर क्या है? 2.5 मिनट। 2.5 मिनट, थैंक यू, आपका आंसर सही है। आपका नाम क्या है? रिया कुमारी। आप लोग कितने भाई बहन हो? चार। तुम कितने नंबर पे हो? थ्री। तीसरा नंबर पे। तुमसे बड़े दो हैं? दोनों भाई हैं कि बहन हैं? दीदी, दोनों बहन हैं। दोनों दीदी हैं, तो दोनों दीदी
तुम्हें पढ़ाई में या कुछ काम में तुम्हारा मदद करती है? यस सर। कैसे मदद करती है? जैसे कोई क्वेश्चन उनको समझ नहीं आ रहा तो हेल्प करती है, बतला देती है। चलो थैंक यू, और तुम्हारे दीदी को भी थैंक यू। रिया कुमारी के लिए एक जोरदार ताली होना चाहिए। आज के मैथ स्पीच का अंतिम प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 10। इस प्रश्न का आंसर कितने लोग जानते हो? हम ये चाहेंगे कि जो अभी तक कोई भी वैसा लड़का या लड़की जो आंसर नहीं दिया है वो आंसर दे तो ज़्यादा बेहतर है। तुम लोग तीनों बना सकते हो? बना सकते हो? चलो ब्लैक बोर्ड पर बनाओ। चलो चलो ठीक से बना दिए। तीन और एक एलसीएम, तीन। लगता है आंसर सही है ना? सही बनाया है। आपका आंसर सही है। अंकित कुमार के लिए एक जोरदार ताली होना चाहिए। आज का मैथ क्विज यहीं समाप्त होता है। आप सभी स्टूडेंट्स एवं दोस्तों को मैथ्स क्विज में शामिल होने के लिए मैनी मैनी थैंक्स। जय हिंद, जय झारखंड।